ये जाता है कि इस बिरादरी के लोग ज्यादातर मायावती को समर्थन देते रहे हैं। तो मायावती ने हम लोग के साथ में बहुत धोखा किए हैं, वो भी चली गई वहाँ भाजपा में, वो भी भाजपा में चली गई। भाजपा में कहाँ अलग? नहीं नहीं वो चली गई। क्या है यहाँ का? यहाँ का माहौल चंद्रशेखर रावण का है, उनको वोट देंगे हम लोग सब लोग। क्यों यहाँ तो बसपा भी अपना उम्मीदवार उतार? बसपा तो उम्मीदवार उतारती है, कुछ भी करती है। हम लोगों के साथ बहुत धोखा होता, हर बार धोखा होता आया है। हमने बसपा का साथ हम लोग छोड़ चुके हैं। कहते हैं कि मुसलमान तो मोदी और बीजेपी को आने दीजिए। हम लोग बताए ना आपके सामने कि मैंने गालियां सुन सुन करके वोट दिया भाजपा को और प्रचार भी किया हूँ, लेकिन यही चंद्रिका पाल है भूल गए कार्यकर्ताओं को। किसी ने कह दिया मुसलमान वोट नहीं देंगे, यही भूल गए। लेकिन आप देंगे? हम देंगे। दूर पर बीजेपी जो यहाँ के सांसद हैं और उम्मीदवार हैं उनकी सभा भी हो रही है, लेकिन हम इस पटनी जंगल में हैं, ये यही गांव है यहाँ का। और यहाँ पर जब हम घूम रहे थे तो छतों पर मैंने देखा चंद्रशेखर रावण के झंडे, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के। तो बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर मिले हैं इस पटनी जंगल गांव के। पटनी जंगल गांव है ये? जी पटनी जंगल गांव है। अच्छा, किस बिरादरी के लोग हैं यहाँ ज्यादा? तो क्या है यहाँ का इस बार का माहौल? यहाँ का माहौल चंद्रशेखर रावण का है, उनको वोट देंगे हम लोग सब लोग। क्यों यहाँ तो बसपा भी अपना उम्मीदवार उतार? नहीं, बसपा तो उम्मीदवार उतारती है, कुछ भी करती है। हम लोगों के साथ बहुत धोखा होता, हर बार धोखा होता आया है। हमने बसपा का साथ हम लोग छोड़ चुके हैं, बसपा का साथ हम लोग छोड़ चुके हैं। कुछ काम हम लोगों के लिए नहीं होता है, जो होता है उनकी अपनी निजी भलाई के लिए होता है। तो इस बार आप लोगों ने चंद्रशेखर का दामन थाम लिए हैं, उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष। हाँ, तो किसका है ये माहौल? अमर सिंह चौधरी, हम लोग उनको आज को वोट देंगे और उनका चुनाव चिन्ह निशान है केतली, हम उनको वोट देंगे। हमारे इधर रोड भी नहीं सही है, नाली बना इधर, सब जितना है सब कोई काम नहीं है, सरकारी काम कुछ भी नहीं हुआ। रोड भी नहीं सही है, जितना हुआ अगर आवास जो पाए हैं तो आदमी गांव में बहुत आवास आता है, लेकिन आदमी गरीब आदमी पाए नहीं, एक दो आदमी पाए हैं बस। और ना काम सड़क का नहीं काम हुआ, सब रोड खराब है, लेकिन रोड खराब है। कहा ये जाता है कि इस बिरादरी के लोग ज्यादातर मायावती को समर्थन देते रहे हैं। तो मायावती ने हम लोग के साथ में बहुत धोखा किए हैं, वो भी चली गई वहाँ भाजपा में, वो भी भाजपा में चली गई। भाजपा में कहाँ अलग? नहीं नहीं वो चली गई। क्या हुआ? कमजोर उम्मीदवार क्यों उतारती हैं? कमजोर उम्मीदवार क्यों उतारती हैं? इसीलिए ना कि भाजपा जीते। दिखाइएगा टीवी पर हमारी बात। बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसीलिए कमजोर उम्मीदवार उतारती हैं। ऐसा उम्मीदवार जो आज तक गांव में नहीं आया है, देखिए दो दिन के बाद चुनाव है, बताइए कोई आदमी कह दे किनका उम्मीदवार गांव में आया है। लेकिन आप ही लोग कह रहे थे कि पिछले चुनाव में आप लोगों ने भाजपा को दिया। बात कर रहे हैं पिछले चुनाव की, बात कर रहे हैं। आपने भाजपा को दिया था? दिए थे, हमारे इलाके के हैं इसलिए दिए थे, हमारे इलाके के हैं इसलिए दिए थे, ना कि हम मोदी जी की वजह से दिए थे या योगी जी की वजह से दिए थे। हमारे इलाके के विधायक हैं इसलिए उनको दिए थे, हमारे इलाके के हमारा काम कुछ जरूर करेंगे इसलिए दिए थे। ऐसा नहीं कि पार्टी के नाम पे दिए थे, ये हमारे अपने थे इसलिए उनको दिए थे। अभी इलेक्शन के टाइम में आ गया सर, तो उसके बाद ये रोड बना है, ये है बे अभी रोड बना है, 4 महीने 5 महीने हो गया, 5 साल से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, रोड बना ही नहीं था, अभी रोड बना है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार प्रजापति। किसका है यहाँ वोट ज्यादा? कमल का है, साइकिल का है? भैया यहाँ त्रिकोणी लड़ाई है, भाजपा के भी है और साइकिल का भी है, उनका भी है, अमर सिंह चौधरी का भी है। तो ज्यादा किसका है? ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, वोट तो गिनती कर ही नहीं सकते हैं कि कहाँ जाना है। भैया आपका अब्दुल अजीज, इसका माहौल? माहौल भैया ऐसा है, वो किहीन यानाई किहीन उन्हें देख कर चंद्रिका पाल कहनाई, मोदी के देख करके वोट देंगे मोदी को। एक मिनट, मोदी का वोट जी? क्या नाम बताया? अब्दुल अजीज। आप कह रहे हैं मोदी का वोट? हाँ, मोदी को वोट जा रहा है? देंगे, हाँ हम लोग देंगे। हम लोगों ने गालियां सुन सुन कर वोट दिया चंद्रिका पाल को और चंद्रिका पाल भूल गए कार्यकर्ताओं को, पूछ लीजिए आप। तो खड़े हैं वही? हाँ फिर खड़े हैं, मजबूरी है, मोदी को दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। अब मोदी को जान के दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि मुसलमान तो मोदी और बीजेपी को वोट आने दीजिए। हम लोग बताए ना आपके सामने कि मैंने गालियां सुन सुन करके वोट दिया भाजपा को और प्रचार भी किया हूँ, लेकिन यही चंद्रिका पाल है भूल गए कार्यकर्ताओं को। किसी ने कह दिया मुसलमान वोट नहीं देंगे,
यही भूल गए, लेकिन आप देंगे? हम देंगे, हमारा वोट तो घर भी नहीं है। वो सर बोलने दिए देने के लिए पैसा भी देने करके के लिए लाख रुपया चले जाइए हमारे घर पे, घर भी नहीं इनका, देख लीजिए आपको पता चल जाएगा सर। वो खुद बोलने और जनता पूरी बता, हम आप कार्यालय जाते थे तीन तीन चार चार सौ आदमियां लेकर, आज वो आदमी हमारे कहे जब अजीत बाबू नहीं जा रहे हैं तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। यही जनता का पालन मजबूरी है, पूछ लीजिए जनता से कितने आपकी मजबूरी मोदी है जी, हम मोदी को ही वोट देंगे, हमारे परिवार के लोग भी देंगे, लेकिन गालियां सुन सुन कर वोट दिया और यही जन्म का पाल कोई कार्रवाई नहीं किए, बताओ अब क्या कहेंगे हम? हम भाजपा में गए मुसलमान होकर, तुम भाजपा में क्यों जा रहे हो? भाजपा को इनकी पीछे मांगा थी गाली नहीं, बात कहाँ है, इस तरह कहे थे लोग, हम गाली नहीं दे रहे हैं, इस तरह की गाली मुझे दे रहे हैं, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो नहीं सर। आप कुछ कह रहे थे तो आपको इस बात की तकलीफ है कि इतना करने के बाद भी कुछ नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ सर। हाँ, और ना ये पहचाने जिंदगी पाल साहब अभी तो थे। हाँ, देखिए चुनाव आया हटवाए हैं, उसके बाद हाँ जा हो जाएगा काम, इनके जितने काज करता है नाम से सब जीतत है, और कौनों पांच का खासियत कुछ नहीं है, इन लोग का खासियत कुछ नहीं है। हाँ, खाली मोदी के नाम से जीत रहे हैं, ना रोड सही ना कोनो चीज का सुविधा दे रहे हैं। घर जाके देखिए आए हैं ना, हाईवे से छोड़े होंगे, फिर रास्ता देखो कितना कठिनाई में आए हैं। इसको लगा है कम से कम पांच साल बनने हुए, एक बार तो साल यहाँ, फिर भी मोदी के नाम पे ही वोट है क्या? हाँ, जोड़ है मोदी का, मोदी मोदी की मजबूरी, कोई भी उड़ जाए कितना मामूली आदमी तो जीतेगा खाली वही, कोई भी चीज यहाँ नंबर एक पर रहेगा वही, इसको आप जान लीजिए। मोदी कितना ही मोदी योगी को लोग देख कर दे रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार हुआ मोदी ने जो मिटाया, और जोगी साहब बाबा आज तक क्यों किए नहीं रहा। क्या नाम है आपका? अंजू। क्या कह रही थी? हम बोल रहे थे कि हमारा गांव वहाँ पर सिसवा गरन टोला ककरावा, वहाँ से हम आए हैं इनके सभा में, तो यही बोल रहे हैं कि हमारे पास ना घर है ना राशन कार्ड है और ना हमको राशन मिल रहा, तभी हम लोग सब लोग गांव भर मिलके मोदी को वोट देंगे। मोदी को? हाँ, यहीं पे मोदी को वोट देंगे। हमारे पास घर भी नहीं, भले घर नहीं है, हमारा आवास वो फूस का घर है, छप्पर का, गौ बांधने का नहीं है। बाद में आप कभी मिलिए सर तो हम दिखा देंगे, ऐसे पल्ली तान के रह रहे हैं, गुस्से ऐसे करके घुसते हैं। पूछ लीजिए, अब आप बताओ आ जाए, मैं गया हूँ, मैं वोट मांगा हूँ दरवाजे जा जाकर पूरे इलाके क्षेत्र भाजपा के जी, आप पता करवा लीजिए सर। भाजपा के ऐसे मुस्लिम समर्थक तो बहुत बिरले ही मिलते हैं। हाँ, तो आप ये देख रहे, ये हम लोग जिस तरह से हैं, अब ये बैलेट पेपर तो नहीं एक दस्त करके दे दें, लेकिन ये अल्लाह रूही बोलते हैं, वोट हम लोग उन्हीं को देते थे। हिंदू कोई नहीं मालूम होता है, खाली दाढ़ी से नूर से चाहे बता दे मुसलमान है, हिंदू मुसलमान सभी एक से सरीका, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के भाई भाई सब हैं यहाँ। नेता आकर के हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हाँ भैया हम लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं रखते हैं। भैया आपका क्या नाम है? हम यहाँ से नहीं है, कहाँ थे भाई? आ जाओ तो बता ही दिया, आप इधर आओ, आप इधर आओ। चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ मिले, अलग अलग लोग मिले, लेकिन चूंकि ये इस तरफ जो बिरादरी है उसमें से यहाँ पर मुझे पहली बार चंद्रशेखर रावण के लिए भी समर्थन दिखता है, चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत सारे लोग इस गांव में उनके झंडे लगे हुए दिखाई दिए, और मुस्लिम समर्थक भी बीजेपी के मिले। तो अजीबो गरीब इलाका है जिसमें अगर आप यहाँ की डेमोग्राफी देखेंगे तो बड़ा साफ दिखाई देगा कि शायद ये बीजेपी का कभी बीजेपी के लिए यहाँ जीतना मुश्किल हो, लेकिन लगातार तीन बार से जगदम्बिका पाल सांसद हैं, हालांकि कई लोग उनके विरोध में भी यहाँ बोलते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर से कुमार अभिषेक, यूपी तक।